हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी हम हैं बिहार की पवित्र पावन धरती पे, जिस जगह का नाम है थावे। ये एक हमारे हिंदू समाज का एक धार्मिक स्थल है, जहाँ पे हम अभी आए हुए हैं। और अभी आपको हम फिलहाल थोड़ा टूर कराते हैं, इसका जो भी इंटीरियर लुक है उसका। और आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और देखिए कि यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आती है। यहाँ पे जितने भी देवी देवता हैं उनकी पर्सनल मूर्तियाँ बनाई गई है। और यहाँ का ये जो आपको साइड से दिखाई दे रहा है, सब ये मेला बाज़ार जो होता है उसका बेहतरीन व्यवस्था किया गया है। यहाँ से अभी हम लोग एंटर करते हैं जंगल का था, ये मंदिर का ये जंगल है। जंगल तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी जो एक हम सच्चाई बताए कि बहुत गंदा है। सब लोग इधर टॉयलेट करते हैं, इस चीज़ का सुविधा अंदर है या नहीं है इसके बारे में हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन जब हम इधर यहाँ पे ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे अभी हम लोग फोटो शूट किए हैं और निकले हैं, लेकिन यहाँ पे इतना गंदगी है। लोग नॉन स्टॉप मतलब बताए तो एक पे एक टॉयलेट किए हुए हैं। लेकिन हमें दुख लगा, बुरा लगा कि ये एक तीर्थ स्थल है, ये एक पूजा पाठ की जगह है, तो गंदा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हर तरह की सुविधा बनानी चाहिए ताकि जो भी भक्तगण है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के चंदा भी और अपनी तरफ से बहुत सारी धनराशि भी योगदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है ये भी मतलब बनाया जा रहा है। और देखिए कुछ इस प्रकार से, अभी जब हम यहाँ पे आए हुए हैं तो यहाँ पे अभी कोरोना की वजह से बहुत कम लोग आ रहे हैं। और जबकि बताया जाता है कि हमारे हिंदू समाज के हिसाब से कि मतलब हफ्ते में कुछ ऐसा ऐसा दिन है जिस दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है, भीड़ होता है। अभी साइड में जो आप झूला देखे हैं, इस झूले पे हमने एंजॉय किए हैं। अभी हम आपको ले चलते हैं इधर अंदर की तरफ। ये एक बहुत ही अच्छा मतलब जगह है जिसके बारे में हम लोगों को बताया गया। हमारे साथ हमेशा की तरह आगे आगे चल रहे हैं मंसूर बाबू और उनके फ्रेंड हैं जिनका नाम है इशराकुद्दीन। अभी यहाँ पे जो आप लुक देख रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पे बताया जाता है कि हम लोगों के समाज में जो लोग ज़्यादा खर्चा नहीं उठा सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा धन राशि शादी विवाह के लिए, वो लोग यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से 2-10-15 लोग मिल के शादी को मतलब अंजाम देते हैं। हम आपको आगे चल के दिखाएंगे अगर यहाँ पे शादी हो रहा होगा तो। यहाँ पे बहुत जगह पे शादी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, हम आपको दिखाएंगे एक एक करके। तब तक आप देखते रहिए। और आगे आप जो तालाब जैसा जो सीन देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लाजवाब है। काश इसको देखने का मज़ा ज़्यादा अच्छा तब होता है कि जब यहाँ पे लोग होते, बट दुख की बात है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं है। लेकिन देखिए आप बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो पेड़ का मतलब जो वादी है ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए हम आपको सामने दिखा रहे हैं अभी, देखिए वहाँ पे शादी चल रहा है, शादी समारोह चल रहा है। यहाँ पे कुछ जो लेडीज़ है, हम यहाँ पे अभी साउंड थोड़ा हल्का डीप मतलब कम कर दिए हैं, मानिए तो म्यूट के बराबर ही है। ये लोग शादी कर रहे हैं, दुल्हा दुल्हन को हम आपको दिखा देते हैं जूम करके। एक बार देखिए इधर हम आपको जूम करते हैं, ठीक है, और जूम करके हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा हमें भी फेस करने में शर्म आ रहा है क्योंकि लोग हमको नोटिस कर रहे हैं कि भाई ये कौन कर रहा है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर हमने वो जो लेडीज लोग थी मतलब कुछ गीत वगैरह गा रही थी शादी वाला,
इसलिए हम ज़्यादा वहाँ पे वीडियो शूट करना नहीं चाहें। बट आप यहाँ का लुक देख सकते हैं, ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही खूबसूरत है फ़ोटो शूट करने के लिए या फिर यहाँ पे बैठ के थोड़ा मन बहलाने के लिए, एंजॉय करने के लिए और ना कि रोमांस करने के लिए। आपको जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि एक धार्मिक स्थल है। हमें इसमें सबसे बुरा तब लगा कि इसमें इतना सारा प्लास्टिक और बॉटल गिरा हुआ था, लेकिन इसको क्लीन नहीं किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, हम आपको दिखा रहे हैं, सब देख रहे हैं गंदगी इसमें। इसमें पानी का बॉटल था, आप लोग जानते हैं बेहतरीन तरीके से कि प्लास्टिक जो है सालों साल तक गलता भी नहीं है, ठीक है, सड़ना तो दूर की बात है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मंदिर परिसर में खाना बनाना एवं खाना सख्त माना है। यहाँ पे नियम का उल्लंघन नहीं करना है हम सबको, इसलिए हम आपको नोटिस बोर्ड दिखाए हैं। अभी हम यहाँ से निकलते हैं और आपको ले चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ताकि आप देखेंगे जो भी अच्छा से अच्छा व्यू होगा, सीन होगा, हम आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग बाइक से निकल रहे हैं और जो कि हमारे दोस्त इसराकुद्दीन है वो बाइक को ड्राइव कर रहे हैं और हम वीडियो को शूट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आप देख पा रहे होंगे आगे सब लेडीज लोग, यहाँ पे मैक्सिमम लेडीज लोग ही बहुत ज़्यादा आती हैं। और ये एक हमारा थाई मंदिर की एक बहुत ही अच्छा खासियत है, यहाँ पे लोग दिल खोल के चंदा करते हैं। दूसरी नंबर चीज़ कि अगर कोई भी वाहन लेते हैं, दोपहिया या फिर चारपहिया या फिर तीन पहिया जो भी हो, यहाँ पे जो भी हमारे हिंदू भाई हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ पे आते हैं उसका पूजा करवाने। अभी हम आपको साइड में दिखाएंगे, यहाँ पे शादी का माहौल बनाया गया है बहुत ही बेहतरीन, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ भी शादी होता है। जो लोग कुछ पैसा अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे मैरिज हॉल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसी मैरिज हॉल में अंदर में आप थोड़ा सा कम व्यवस्था करके आप शादी को इंजॉय कर सकते हैं और शादी करके अपनी दुल्हन को अपने घर लेके जा सकते हैं। यहाँ पे हमें सब चीज़ बहुत बेहतरीन लगा, लेकिन जो तालाब में गंदगी था, दूसरा चीज़ जो वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर टॉयलेट किया गया था वो हमें बहुत बुरा लगा। उसका जल्द से जल्द मंदिर परिसर के जो भी हमारे अतिथि घर हैं और जो भी वहाँ के प्रधान ऑर्गेनाइज़र हैं मंदिर के, उन लोगों को इस पे विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मंदिर का साइड का सिरा है, जहाँ से थावे की जो माँ है उनका दर्शन होता है। और यहाँ पे बहुत सारी दुकान है जहाँ पे हर तरह की पूजा पाठ की सामान उपलब्ध है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कोई पूजा पाठ का सामान ना मिले, यहाँ पे एक नहीं आप देखेंगे तो मतलब 50 ठो भी दुकान होगा पूजा पाठ की सामान लेने के लिए। और यहाँ का एक हम बता दें थावे की सबसे लजीज और सबसे बेहतरीन चीज़ खाने वाली पड़किया, ठीक है। अगर थावे मंदिर आइए घूमने तो पड़किया खाइए और थावे से अपने घर के लिए पड़किया लेकर जाइए। अभी हम मंदिर की फ्रंट वाले फेस पे खड़े हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे कैमरामैन घूम रहे हैं फ़ोटो लेने के लिए, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं बहुत श्रद्धा से यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाते हैं, वो लोग फ़ोटो निकाल के देते हैं साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे हम अभी आपको दिखाएंगे। देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि सर आप फ़ोटो निकलवाएंगे, ठीक है, ये भी हमसे पूछ रहे हैं। आप सामने देखिए अंदर माता रानी का मंदिर है जहाँ पे लोग दर्शन करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन लिखा गया है दीवार पे, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे लाइन लिखी गई है। देखिए मेरा मानना है कि कोई भी धर्म किसी को गलत नहीं सिखाता, गलत वो इंसान ही जो गलत करता है, ठीक है। ऐसे तो हम बिलोंग करते हैं मुस्लिम रिलीजन से, लेकिन हम आस्था में विश्वास रखते हैं। मेरा मानना ये है कि जो भी इंसान अपने आस्था में विश्वास रखता है वो गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी रिलीजन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो रिलीजन है ये किसी को आपस में बैर रहना नहीं सिखाता है।
आप सामने देख लीजिए। अंदर तो हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि अंदर जाना क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है, इसलिए हम आपको इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे जो लोग, जो व्यक्ति दान दे सकते हैं वो लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे भक्त जन के लिए जो लोग मंदिर में माता रानी के पास आते हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए चेयर लगाया गया है बैठने के लिए। यहाँ पे सुविधा बहुत है और यहाँ पे सफाई का, मंदिर के सामने सफाई का सब बहुत ही बेहतरीन ये किया गया है। ये हमारा मंदिर में दूसरे दिन का एंट्री। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे लेडीज लोग दिख रही हैं, अभी हम लोग झूला खेलेंगे और खेल के निकलेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा आपको फिर से दूसरे बार हम आपको इस मंदिर के अंदर परिसर में आपको ले चलते। देखिए आज के समय में यहाँ पे लेडीज लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो का शूट है दूसरे दिन का। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखावटी भी होता है, ठीक है। तो हमारा जो वीडियो है यहीं तक था, कंप्लीट हो गया। गाइज आप लोगों का मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्त।